वही राजस्थान के अंदर लगातार अभी एजुकेशन बंद है और इसी को लेकर के स्कूल, कोचिंग सेंटर और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। लेकिन आज एक बैठक होने वाली है और उस बैठक के अंदर यह घोषित हो सकता है कि आखिरकार 15 तारीख से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को किस प्रकार से खोला जाएगा। और यह संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि 15 तारीख से स्कूलों के खोलने का समय भी निर्धारित किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत आज शाम को जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फैसला लेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है इस प्रदेश की राजनीति में। प्रदेश में कोरोना कम पड़ते ही अब बच्चों के लिए स्कूल अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से बड़ी कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का प्लान तैयार किया है। पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला होगा और कैबिनेट अगर मंजूरी देता है तो 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की पालना और शर्त रखी जाएगी। पहले फेज में आधे बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाने के मॉडल पर क्लास शुरू करने का विचार है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग गाइडलाइन में छूट देगा, तभी स्कूल खुलने का रास्ता साफ होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा स्कूल खुलने के मामले में कह चुके हैं कि कैबिनेट और मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला किया जाएगा।